Hey guys, welcome back to my channel Coco's Vlog. It's me Coco and welcome back to another exciting video. तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्विक होगा ये सारा चीज़ें क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ बाहर, कुछ थोड़ा सा काम है और जिस काम के लिए मैं बाहर जा रही हूँ उसके लिए मैं थोड़ा सा मेकअप करके बाहर जाने वाली हूँ. तो मैंने सोचा जो मैं मेकअप करूँगी वो मेकअप है बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट मेकअप लुक और मैं ये मेकअप लुक आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ. तो अभी इससे ज़्यादा बेटर टाइम शायद मुझे नहीं मिलेगा शेयर करने के लिए, तो मैं अभी फटाफट से ये लुक आप सभी के साथ शेयर करूँगी. ये लुक आपका ऑल डे टिकेगा, बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही हाइड्रेटेड लुक रहने वाला है, बहुत ही फ्रेश होगा और बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट होगा. बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नई चीज़ें लगेगा. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड पीछे का बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए क्योंकि पीछे स्टेशन है तो कुछ ना कुछ आवाज़ आएगा और मुझे यहाँ से ज़्यादा बेटर शूट करने का जगह मिला ही नहीं क्योंकि बहुत अच्छी लाइटनिंग है तो आपको मेकअप लुक बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके मेकअप को फ्लॉलेस दिखाने के लिए एंड लॉन्ग आवर के लिए स्टे करने के लिए आपका बेस बहुत अच्छी तरीके से प्रेपअप रहना चाहिए. तो आप मैं इस वीडियो में बहुत ही इजीली अपने बेस को प्रेपअप करूंगी जस्ट वन प्रोडक्ट एंड दैट इज शेयर सीक्रेट लाइटिंग एंड ब्राइटनिंग एज करेक्टिव सीरम. इसमें पिंक ग्रेप, रंतन जोट एंड सैफ्रॉन जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो एंड रेडियंस रखता है एंड ऑल आवर ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड. इस सीरम में है ढेर सारी एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं एंड रेडियंट रखते हैं. एज इट इज अ एज करेक्टिव सीरम ये आपकी एंटी रिंकल को रिड्यूस करता है, एजिंग का हर साइंस को रिड्यूस करता है एंड फॉर योर प्रेपअप बेस फॉर योर मेकअप इट इज अ ग्रेट सीरम. यू कैन गिव इट अ ट्राई. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक इट आउट. या आई एम गोना टेक यू ड्रॉप ऑफ दिस सीरम. मेरे स्किन पे एक नॉन ऑयली ग्लो नोटिस कर रहे हो दैट बिकॉज ऑफ द सीरम. ये सीरम बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड फॉर्मूला है तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और इंस्टेंट आपकी स्किन को ग्लो एंड हाइड्रेटेड करता है. आप ये सीरम एक दिन में दो बार यूज कीजिए लाइक इन द आफ्टर बाथ एंड एट द नाइट एट योर नाइट टाइम रूटीन. इंक्लूड इट इन योर स्किन केयर रूटीन एंड सी द मैजिक ग्लो इन योर स्किन. मैं यूज कर रही हूँ लैक्मी का सीसी क्रीम. मैं अभी कोई सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज इसमें SPF 30 है तो मुझे अलग से अभी सनस्क्रीन यूज़ करने की जरूरत नहीं है. सो आई एम गोना टेक फ्यू ड्रॉप ऑफ इट. इट इज अ क्विक मेकअप लुक सो आई एम गोना skip the concealer and I'm gonna fix all of this with the help of a compact powder. I'm using Maybelline ka compact. Using this lipstick as my blush. बहुत ही प्यारा सा पिंकी रेड शेड है तो ब्लश के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है. हाइलाइटर यूज करूंगी. ये शुगर का हाइलाइटर है इन दी शेड 02 गोल्ड ग्लोरी. अच्छा मैंने आपको शेड नहीं बताया, मेरा फिटमी में है 220 नेचुरल बेज और मेरा शायद इसमें है शेड 03 ब्रोंज. आई एम गोना यूज अ लिटिल बिट ऑफ इट. बहुत ही कम लगाना है बस थोड़ा सा ग्लो के लिए. हल्का सा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको आंखों में लगाना, इतना अच्छा लग रहा है देखिए ग्लो टाइप. तभी मैं यूज कर रही हूँ काजल. मैं आईलाइनर यूज नहीं करूंगी, आईलाइनर स्किप कर रही हूँ एंड काजल को भी मैं बहुत ही ज्यादा हल्का लगाऊंगी. बहुत ही ज्यादा हल्का लगाया. इफ यू वॉन्ट यू कैन स्किप दिस ऑल्सो एंड
एकदम आप सीधा मस्कारा लगा सकते हो. नाउ इट टर्न फॉर मस्कारा. देखो मस्कारा मिल नहीं रहा. फाइनली आई गॉट माय मस्कारा. इट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी प्रिसीजन थिकनिंग लॉन्ग लैशेज मस्कारा. ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मस्कारा है क्योंकि इसका पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्लासी है एंड इसका प्राइस के मुताबिक ये काम भी बहुत अच्छा करता है. मेरे पास ब्राउ पेंसिल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ. ऑल ओवर द लुक इज वेरी सटल. सो लिपस्टिक के लिए हम थोड़ा सा पॉप आउट शेप में जा सकते हैं. आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम मैटनी. मुझे एक्चुअली न्यूड लिपस्टिक काफी ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ. मुझे वही ज्यादा अच्छा लगता है. बट दिस शेड इज समथिंग विच आई एम लविंग राइट नाउ. मैं यही लिपस्टिक हर जगह पहन रही हूँ. जितना पसंद आ रहा है इसको थोड़ा सा मैं अप्लाई कर लूँगी. So yeah, you can see now for the final look. Yeah. इस वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना. आगे आप कौन सा न्यू वीडियो देखना चाहते हो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट. आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड इट. एंड आप पूरा जो मेकअप में आप ग्लो देख रहे हो पूरा क्रेडिट इस सीरम को जाता है. मेरा मेकअप कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया आपने देखा और कितने अच्छे से सेट भी हो गया वो भी आपने देखा. जो ग्लो एक देख रहे हो नॉन ऑयली रिफ्रेशिंग ग्लो ये ऑल डे रहने वाला है अगर आप ये सीरम को एज अ बेस यूज करके फिर आप अपना मेकअप स्टार्ट करें तो. सो या मुझे ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है. तो चलिए मैं देर हो रही हूँ अपने जहाँ जहाँ जाना है इसके लिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. टेक केयर एंड आई लव यू ऑल.